walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. मजाक कर कहीं से कहीं तक शर्म नहीं होते तो अपने मुंह पे मार रहा देख उसको तो गाइस हम पहुंच चुके हैं डालोजी और ऊपर ले रहे हैं फुल मजे गांधी चौक पे। तो स्नो तो बहुत सारी है यहाँ पे देख सकते हो अंधी स्नो है देखो से आ रही है ना भाई वीडियो बन रही है ले फोटो खींचो आ जा तो गाइस गांधी चौक पर खड़े अभी हम स्नो देखो कितनी है अभी बारिश भी हो रही है अभी और स्नो होगी जहाँ तक लग रहा है हमको आज तो अभी तो बहुत मजा आ रहा है फिलहाल रगड़ दो ना एक आधा टोपे में डाल उठा 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 चलो खेलो 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 हमारे क्या हुआ अबे मेरे तो नहीं हो रहे थे कम से कम नाक कान नाक कान सही करवा दे लो भाई पहुंच लिए हम गांधी चौक तो गाइस पहुंच गए हम गांधी चौक तो देखो गांधी चौक बर्फ देखो अंधी गिरी पड़ी ये रे गांधी जी हमारे गांधी चौक टकरे वहां टकरे चलो आओ पहले भोजन देख ले कुछ तो गाइस हम पहुंच चुके गांधी चौक तो जस्ट चबी करना है लंच तो इसके बाद फिर हम रूम हंट करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे घूमेंगे देखते हैं कुछ दिखाएंगे आप लोगों को कैसा है यहाँ का स्नो तो यहाँ पे बहुत गिर गया बहुत ज्यादा स्नो है तो बादल भी अच्छा है ठंड है ज्यादा नहीं है
स्नो आया कम से कम 1-2 फीट के आसपास है डेलोजी के अंदर मेन गांधी चौक पे। तो जस्ट अभी हम यहाँ से लंच वगैरह कर रहे हैं, कुछ चाइनीज फूड वगैरह, तो उसके बाद हम रूम वगैरह देखेंगे, जो होगा रूम भी दिखाऊंगा मैं आपको कितने बजट में क्या है क्या नहीं है, बस इसके बाद खा के निकल रहे हैं हम रूम के लिए। तो यहाँ चल रही है पार्टी अपनी। अरे अभी तो पाटा शुरू है, भाई ने बोली उछल के ताली मार दे एक बारी वाली, अब देख ले मजाक एक बारी भाई खिलाया तो तेरे को भी एक बारी भाई ने एक बार रात को आया एक बार। अभी भाई को दिखाओ भोजन कर रहे हैं भाई, पेट में चक्कर आ रहा है। तो ये हमारे बालू भाई खा रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता, ये हमने काला बोलता व्हाइट दे रहा है। ओए होए ओए होए होए बात है, देखो यार कुछ दिख रहा है यहाँ से, तो समझे ठंडा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है भाई उतारो जैकेट, उतारो उतारो एक बार ले भाई और बता उतारो कितने पैर नीचे, ये देखो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ सिंगल पजामा है, ठंड नहीं है मतलब है ठंडा ही नहीं बिल्कुल, बर्फ है यहाँ पे 2-2 फीट तक सदा। ओ भाई आ गया हमारा पास्ता व्हाइट सॉस, व्हाइट सॉस हम तो ये खाएंगे हम। अमित जी बिल्कुल जी बिल्कुल भाई साहब खड़े खड़े खा, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, कलाकार उसका खाया ना उसमें से लंच मेरे पास। हेलो गाइस, तो इवनिंग हो चुकी है तो काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, तो मैं आपको रूम की वीडियो दिखाना भूल गया था, मतलब वीडियो बनाना ही भूल गया था क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो जस्ट अभी चार्ज लगाया था तो बैटरी थी, तो उसके अंदर मैंने कहा चलो आपको रूम भी टूर करा दूँगी जो हमने रूम लिया है, तो रूम दिखा दो आपको। तो गाइस ये होटल है, तो ये हमको जो रूम मिला है नीचे जाके मिला, देखो कितनी बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, तो ये जो रूम हमको मिला गाइस 4 बेड मिला, जो कि एक दिन का स्टे है उसका 1000 रुपये, काफ़ी अच्छा मिल गया, रीजनेबल है बहुत ही प्यारा। तो ये रूम है देखो 4 बेड का, उसकी एंट्री है और ये हमारे बंदे सोए हुए, ये मिरर है लाइट वगैरह, 4 बेड है, रूम देखो कितना प्यारा है, ये देखो रूम कितना अच्छा है, और ये टॉयलेट भी क्लीन है, ऐसा नहीं है कि मतलब गंदा हो या कुछ हो, सब कुछ साफ है, गीजर है। तो गाइस ये रूम मिला हमको 1000 रुपये में एक दिन का, और ये मेरे दोस्त लगे पड़े हैं कुछ प्रैंक करने में, विद LED वगैरह सब मिला है, और कंबल पड़े हैं इसमें, ये देखो एक्स्ट्रा कंबल, 2-2 कंबल तो ले रखे और एक्स्ट्रा कंबल है, और ये हमारे दोस्त कर रहे हैं प्रैंक ओमेगल पे, ये देखो लड़की बन के बातें। हेलो सिगरेट पी रहे आप? क्या सिगरेट पी रहे आप? हाँ मत पिया करो, चाय बना लेना है, कॉल करना 2 मिनट, वो चाय बना देना, कितनी देर होगी तेरे को बोलो। कैसे सेट सेट से हो रहे हो आप? किसी की याद आ रही है? याद आ रही है आपको? हेलो बोलो ना, किसी की याद आ रही है आपको?
थोड़ी आराम को तो लगेगा प्रैंक करने में। तो गाइस ये रूम था जो मैंने आपको दिखाया और इसमें कैसा मेन्यू भी मिला है कि आप बैठे बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। तो जो होटल का नाम है मैं आपको दिखा देता हूँ, होटल मूनलाइट। तो गाइस ये है गांधी चौक पे है, इसने हमारे को 1000 रुपये में पर स्टे नाइट दिया है जो कि मतलब 24 आवर्स का ही होता है। तो ये देखो इसका मेन्यू, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस है। देखो पराठे वगैरह और चिकन वगैरह जो खाते हैं, काफ़ी अच्छा है। मूनलाइट होटल का नाम है। देखो गाइस ये है, कभी भी अगर आप आते हो डलहौजी तो इस पर स्टे करो, काफ़ी अच्छा है। देखो 1000 रुपये में काफ़ी अच्छा रूम मिल गया जो क्लीन है। और ये हमारे दोस्त लगे बड़े प्रैंक करने में। तो गाइस अभी आज का प्लान तो कुछ था नहीं, क्योंकि आज हम सुबह जब पठानकोट उतरे, सुबह हम उतरे थे 10:30 बजे, ट्रेन ने हमको 10:30 बजे उतार दिया था। तो उसके बाद हमने वहाँ से बस पकड़ी, तो बस ने हमारे को 2:30 बजे उतारा डलहौजी, नहीं डलहौजी नहीं, उसने हमारे को उतार दा बानीखेत, क्योंकि ऊपर तक बस से कोई भी नहीं आ रही थी, क्योंकि ना ऊपर क्या था बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी थी तो सब स्किड कर रही थी बस वगैरह। तो फिर वहाँ से हमने क्या नाम है ओमनी करी, तो उसका जो किराया था 500 रुपये था। तो हम ऊपर आए डलहौजी आते थे हमारे को 4 बज गए थे ऊपर तक, तो काफ़ी लंबी जर्नी थी हमारी। कल हम 11:30 बजे बैठे थे और सुबह 4 बजे आए, दोपहर को 4 बजे आए यहाँ पे। उसके बाद हमने ये रूम लिया, प्रैंक कर दिया भाई के साथ, प्रैंक प्रैंक चारा देखो प्रैंक कर दिया। वो देख रहा हो गया क्या मारता वाइस। देखा आप लोगों ने कितना गंदा प्रैंक कर रहे हैं, बड़ा आराम ही है सुमित तो आप ही आराम। तो गाइस अब यही है कि अभी 7 बज रहे हैं, 7:07 हो रहे हैं, तो अब जाएंगे दोबारा हम गांधी चौक पे जाएंगे दोबारा, और वहां से हम करेंगे कैब का पता करेंगे, क्योंकि कल हमको सुबह निकलना खज्जर के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो गिरी है। तो सुबह हम वहीं जाएंगे खज्जर, तो वहाँ का हम प्लान कर रहे हैं सुबह, तो वहाँ जाने के लिए। तो अब जाएंगे गांधी चौक, वहाँ से कैब वगैरह देखते हैं कितने पैसे लेते हैं। ऑल्टो वगैरह छोटी गाड़ी ले रही 4000 रुपये अप डाउन, तो हमको बड़ी गाड़ी चाहिए क्योंकि हम 6 बंदे, तो देखते हैं कितने पैसे लगते हैं। तो चलिए आपको चल के दिखाते हैं फिर। गाइस गाड़ी हमारी हो चुकी है सुबह की 9 बजे की, जो कि हमारे को चंबा से लेके जाएगी खजियार तक। तो सुमो करी हमने 6 बंदे, क्योंकि तो हमने सुमो कर ली 4500 रुपये में, तो काफ़ी अच्छे रेट हो गए, क्योंकि हमने यहाँ से लोकल बंदों से पूछा था तो कह रहे थे 5-6000 रुपये से कोई कंपनी लेके जाएगा, हमको सुमो मिल गई। तो मैं आप लोगों को दिखाया था किससे करी हमने, उनका भैया हमने कार्ड भी लिया है, ये कार्ड है उनका, और मैं लोकेशन भी दिखाया था। ये देखो उनका कार्ड है डलहौजी टैक्सी यूनियन, ठीक है। तो ये मेन गांधी चौक पे है, तो हमने ये ऊपर वाला लिया, खजियार चंबा काला टोप दैनकुंड बोटिंग पॉइंट ये सब जाएंगे। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये गांधी चौक है, तो गांधी चौक के बिल्कुल 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 फ्रंट के अंदर ये है टैक्सी यूनियन। तो इससे हमने बुक करी है सुमो 4500 में। तो भाई टैक्सी यूनियन से हमने कर लिए 4500 में, तो 500 भैया को हमने एडवांस दे दिया था, 500 एडवांस दे दिया, तो हम 4000 अपने राइड कंप्लीट होने के बाद देंगे। तो ये देखो गांधी चौक वगैरह, तो हमारी हो चुकी है टैक्सी कल सुबह के लिए 9 बजे के लिए, क्योंकि आज का दिन तो हमारा वेस्ट चला गया पूरा, क्योंकि हम 4 बजे पहुंचे थे डलहौजी, तो 4 बजे के बाद कुछ घूम नहीं पाए, यहीं पे हम लोकल ही घूमे थे। तो उसके बाद बस वही सुबह निकलेंगे, सुबह जितने में यहाँ के कुत्ते देखो टाइगर लगते हैं पूरे पूरे पहाड़ी। तो ये भाई साहब खा रहे हैं चिकन, हम तो वेजिटेरियन है, तो हम वेज करेंगे पैक अपने लिए यहाँ से, शर्मा ढाबा से वेज पैक करवाएंगे अपने लिए। तो लो भाई अपना वेज, और भाई लोगों का साढ़े चिकन, चल रही है पार्टी। तो अपनी दाल भड़ी इनकी चिकन चल रही है फुल पार्टी।